इंडिया में आज कोई अपोजिशन लीडर नहीं है मोदी को टक्कर दे सके। मोदी को टक्कर एक मात्र ममता दी दे सकती है, और इसलिए सारा भारत में मोदी विरोधी जितने लोगों हैं वो ममता बनर्जी के पीछे एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं। ममता के दिल में जनता है और जनता के दिल में ममता है। ममता जनता, जनता ममता, इसमें ही बंगाल रमता है। और ममता और जनता के साथ जो सबसे ज्यादा करीब हैं दोनों के, वो हमारे साथ इस वक्त युवा शक्ति के कैमरे के सामने है फिरहाद हकीम साहब। सर, आप लगातार घूम रहे हैं वार्ड वार्ड में, इतना सारा विकास तो हो गया है, अब तो कुछ बचा नहीं है, विरोधी के पास ही मुद्दा नहीं बचा है। 6 महीने पहले तो हारे, अब फिर से आ रहे हैं चुनाव में। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हर समय विरोधी रहेगा और ये अच्छी बात है। और विरोधी का सवाल का जवाब दे के ही हम रहेंगे, हमारा काम रहेगा, और हम लोगों को हमारा काम तक जो है इसको सूचित करेंगे। यही हमारे लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं। दिलीप घोष और राहुल सिन्हा से हम लोग की पर्सनल जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि आशंका है उन्हें कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। फिरहाद हकीम क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कोई आशंका नहीं है, हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, आवाम वोट देगा। यहाँ पर कोई धांधली नहीं, कोई त्रिपुरा का तरह मार धाड़ नहीं। हम जानते हैं जो सेंट्रल फोर्स रहने का बाद जो विधानसभा निर्वाचन हुआ था, उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें लोगों ने दो हाथ से हमें आशीर्वाद किया। तो हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, आवाम के ऊपर, और आवाम दो हाथ से हमें हमारे काम के लिए हमें देंगे आशीर्वाद, और आराम से तृणमूल कांग्रेस बोर्ड बनेगा। जिस प्रकार से ममता बनर्जी चारों तरफ घूम जा रही हैं, हर राज्य में तृणमूल का कुनबा बढ़ रहा है, और गोवा में जिस प्रकार से दीदी दीदी का एक हुटर हुआ कि जिस लगा जैसे ये गोवा नहीं, ये कोलकाता है, ये पश्चिम बंगाल है, तो ऐसा आपको लग रहा है कि अब वो समय नज़दीक आ रहा है जब दिल्ली के गद्दी के तरफ हम लोग, यहाँ की मुख्यमंत्री और हम लोग की आदरणीय दीदी आगे बढ़ रही है? जरूर आगे बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया में आज कोई अपोजिशन लीडर नहीं है मोदी को टक्कर दे सके। मोदी को टक्कर एक मात्र ममता दी दे सकती है, और इसलिए सारा भारत में मोदी विरोधी जितने लोगों हैं वो ममता बनर्जी के पीछे एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि शरद पवार साहब का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, और आशीर्वाद मिलेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा, सब हमारे दीदी के पीछे खड़े होंगे, और दीदी आगे जाके मोदी को हटाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से फिरहाद हकीम ने कहा कि आशीर्वाद मिल रहा है, देश भर के तमाम राज्यों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं ममता बनर्जी का, और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के गद्दी तक यहाँ की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पहुँचेंगी। फिलहाल कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव में फतह के बाद जो रेस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और ज़्यादा तेज हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे बंगाल से दिल्ली की तरफ जो रास्ता होगा वो प्रशस्त होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ प्रकाश चंद्रा, युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र।